बोलिए सद्गुरुदेव की जय। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। मैंने एक बात पहले भी बोली थी कि जैसे कुछ पंथों से अलग अलग लोग निकलकर अपना अस्तित्व स्थापित किए, इसी तरह कुछ मत मतांतर साहेब की वाणियों को तोड़ मरोड़ करके अपना काम चला रहे हैं। आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं। अब साहेब क्या करें? मन अली कमल बसाए, सदगुरु पद पंकज रुचर रुचर। अली भौरे को कहते हैं। ये भौरे की तरह मन है, इधर उधर घूमता रहता है, इसको गुरुचरण में लगाना। अब यहां सवाल उठा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम खुद कुछ करो। अब साहब यहां अक्षमता दिखा रहे हैं, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। ये जीव बहुबंधन ते बांधिया, एक बिचारा जीव। अरे भाई जीव बिचारा क्या करे, जो न छुड़े ही है पीर। ये जीवात्मा कभी भी अपनी ऊर्जा अपनी ताकत से छूट नहीं सकता है। जब ये बात बोलता हूं तो लोग कहते हैं नहीं कुछ अपना खुद करो कुछ करो, ना ना ना। यहां साहब ने बड़ा तेज एक तंज कसा, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेहू न पावत पारा। गुरुचरणन चितलाए, स्थिर घर तब ही मिले। मैंने कहा ये श्रीमद गीता और रामचरितमानस हमारे धर्म के मान्य ग्रंथ हैं। भाई तुम किस बात कहां की बात कर रहे हो, ये कि गुरु की जरूरत नहीं है और तुम्हें ही कुछ करना है। ये मान्य ग्रंथ है। गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं, श्री गुरुपद गणमन ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि होती। साहब भी कह रहे हैं, गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वा आरंभ में ध्यावत है सब संत। ये कौन सी आइडियोलॉजी समाज को दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं गुरुचरणन चितलाए, स्थिर कर तब ही मिले। सूरत बांध स्थिर करो गुरमे दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ रखा है। शब्द सूरत का मेल, शब्द मिले सत सतपुरुष। अब सूरत शब्द की बात कुछ लोग कह रहे हैं ये हमने हमारे यहां ही लाए हैं, जब उनसे पूछो तुम्हारी पीढ़ी में कहां से चली तो पता ही नहीं है, उनका गुरु कौन था तो पता ही नहीं है, और पूरा मटेरियल कबीर साहब का चुरा कर घुमा फिरा कर अपना काम चला रहे। अरे सीधा बोलो ना कि उनकी वाणी को फॉलो कर रहे हैं, अपना अलग अस्तित्व स्थापित कर रहे हैं जबकि उनके पास नहीं है। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कई बार बोली है, नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बांध तुलसी लियो अब बीने सुकूर। परम तत्व के लिए परमात्मा के लिए जितने भी कुछ कहना था वो नूना दास कबीर कबीर साहब बोल गए। यानी ये सबसे प्रथम संत सदगुरु है। नानक देव जी से 57 साल पहले आए, गोस्वामी जी से 225 साल पहले आए और बाकी संतों से काफी समय पहले आए। मैंने पलटू साहब की वाणियों के माध्यम से भी आपको मेल करके बताया कि ये पूरा साहब का ही छायावाद है। आइए तो बंद हो, लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने दो कारण से साहब को नहीं अपनाया। इसलिए शिक्षा तो उनकी ली लेकिन उनको गौण रखा, क्योंकि एक पाखंडी तबके ने साहब को तब मुस्लिम करके छोड़ दिया था ताकि लोग उसकी तरफ नहीं जाए, कुआरी ब्राह्मणी का बच्चा करके छोड़ दिया था। इसलिए उन्हें ये आइडियोलॉजी तो पसंद है पर खुलकर नहीं बोल रहे। वाह, खुलकर नहीं बोल रहे। एक महात्मा मेरे पास आया, मुझे कहा आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है। बोला गुरुजी एक बात है। मैं कहा कहो क्या बात है। दीक्षा लेने आए हो, शर्त कैसी है, तन मन धन गुरु को दिया जाता है, पर कहो क्या कहना चाहते हो। बोला गुरुजी मेरे बहुत शिष्य है, मैं एक पंथ का बहुत बड़े पंथ का आचार्य हूं, अगर मेरे शिष्यों को पता चल गया कि मैं आपके मार्ग को ग्रहण किया आपसे दीक्षा ली तो विचलित हो जाएंगे, सब बन जाएंगे।
इसलिए आप ये जाहिर नहीं करना कि मैंने दीक्षा ली। मैंने कहा भैया कैसा उल्टा काम बता रहे हो, अरे नाशन निकली बावड़ी तो घूंघट कैसा, ओंखल में सर दिया तो मूसल का डर कैसा, गुरु को तो उजागर किया जाता है। अभी तक मैंने 220 आश्रम बनाए, कोई भी मधु परमहंस के नाम से आश्रम नहीं है, सब गुरु के नाम से है। जो गुरु को लुप्त करते हैं खुद लुप्त हो जाएगा वो। यानी यहां पर साहब एक बात कह रहे हैं, पहले कुल मर्यादा खोए भय से रहत भक्त तब हो, पहले कुल मर्यादा खोए, ये बाधाएं हैं। अब साहब कह रहे हैं शब्द शरत का मेल, शब्द मिले सतपुर चले, बिंद सिंध का खेल मिले तो दूजा को कहे, शब्द सूरत का खेल सतगुरु मिले लखा वहीं। अभी यहां क्या करे, सूरत शब्द का खेल सत, अब वो कह रहे सूरत शब्द ठीक है, अब वो शब्द किसको कह रहे, अनर्थ को, अनर्थ नहीं है, सो तो शब्द विदे है। कई जगह साहब बोल रहे मैं तंज नहीं कस रहा हूं, जो हकीकत है वो आपके सामने रख रहा हूं। अब यहां साहब कह रहे हैं सूरत शब्द का मेल सतगुरु मिले लखा वही, वो सतगुरु बताएगा कैसा वो शब्द है, नाम है अका है, जाप मरे अजपा मरे अनाज भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। लेकिन ये दुनिया भेड़चाल है। सुकरात का वो कथन बड़ा सार्थक है, जिस तरफ बड़ा हजूम जा रहा हो तुम ईश्वर की खोज में, बहुत हजूम जिस तरफ जा रहा हो तुम उधर मत जाना। वो एक चालाक आदमी है, जहां तुम्हें तुम जिस संत के पास जाना चाहो लोग मना करें कि मत जाना, तुम्हारा धर्म बदल देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये नास्तिक है, उधर जरूर जाना। ये दुनिया कहने सुनने पर चलती है, अपने विचार पर नहीं चलती। इसलिए साहब ने खुले शब्द कहे हैं, हर शब्द के बाद कहा है कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो का मतलब है मेरे शब्द पर शब्द को साधो, इस पर विचार करो। सिंध बंद का मेल मिले तो दूजा को कहे, मन की दशा बेहाय, बेहाय का मतलब छोड़, बहुत कंसंट्रेट होकर बोल रहे हैं। कल भी मैंने कहा था इस जीव के पास संसार सागर से बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है बिना सदगुरु, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटन करे उपाय। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे है न भरमा। आइए हंस लोक बह जाए सुख सागर सुख सोले, बिंद बिंद जीव अनुमान सिंध नाम सदगुरु सही, कहे कभी प्रमाण धर्मदास तुम बूझो। इसलिए यहां कुछ लोग गुरु के अस्तित्व को ही मिटा रहे हैं। अब यहां कह रहे खुद उठो, और संतजन क्या कह रहे, आपा मेटे गुरु मिले, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब यहां जब मैं उस देश की बात कर रहा हूं, ये उस देश की बात लाया कौन, साहब तो लाए। क्या हम ऋषि मुनि और भक्तों और देवी देवताओं के खिलाफ, बिल्कुल नहीं। अरे भाई दुनिया में भी आप देखें, केंद्र में सरकार है तो मंत्री है, फिर पूरा एक सिस्टम है, इस तरह 33 करोड़ देता इस सृजन के संचालन में सहयोग देते। हम पंच तत्वों का निंदा नहीं करें, जल तो हमें भी चाहिए सब कुछ चाहिए, पर हम क्या करें, उपासना एक परमात्मा की करना, पात पात को सींचते मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रताए फल खाए। अगर आपने जड़ में पानी डाल दिया ना तो आप समझना पूरे पत्तों पत्तों तक पहुंच गए। आप किसी के घर गए, बाकी घर के सब लोगों से बात की लेकिन मुखिया से बात नहीं की तो समझना किसी से भी नहीं की। अगर आप किसी घर गए मुखिया से बात की तो समझना आपने पूरे घर को से बात की। अब साहब एक नाम को जानकर दूजा दे भाव। दुनिया में दो नास्तिक है, एक जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है एक वो नास्तिक है, और महानास्तिक वो है जो कहता है मैं सबको मानता हूं, उसका कोई इष्ट ही नहीं है। पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना।
इसलिए वेद का भी उल्लेख है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हम शास्त्र संगत है, शास्त्र विसंगत नहीं है, पर जरूर बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारे पंथ को ज्वाइन किया तो इर्द गिर्द के लोग तो थोड़ा विरोध और प्रपंच पाखंड करेंगे। हम किसी जात के विरोधी नहीं है, किसी बिरादरी के विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, कोई भी आ जाए, किसी भी धर्म का आ जाए, उसके लिए साहिब का द्वार खुला है। बस हमारी शर्त पालन करे, सत्य बोलना, पहला सात शर्तें, मांस मत खाना, तीसरा कहता हूं पर स्त्री गमन नहीं करना, चौथा कोई भी नशा नहीं करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना, बच्चों को हराम मत खिलाना, नहीं तो वो आगे तुम्हें मारेंगे। पाप इसलिए बढ़ गया कि आदमी सुकृत अंश का भोजन नहीं खा रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, किसी को दुख दे करके वो धन हड़प रहा है। और एक अनादि ब्रह्म की उपासना, क्या इसमें बुरा है? नानक एको सुमरिय जल तल रहा समाय, दूजा काय सुमरिय, जो मर जन्मे और मर जाए। धर्मदास तुम सुनियो भाई, जीवन काज पुरुष पठाई। अब यहां बार बार हर जगह पर साहब पुष्टि कर रहे हैं, भाई मैं आया सतलोक से, वो मां के पेट में आया ही नहीं और वो प्रमाणित भी कर गए, लेकिन मसला तो यही है, कहबे करब ना करबे तो करबे का करब। दिल्ली का एक आदमी था निकम्मा, बस कुछ नहीं करता था, उसकी बीबी परिवार का पोषण करती थी, बिचारी ने एक गाय रखी थी, उसका दूध दाद बेच करके बच्चों को पालती थी, उसे भी खिलाती थी। एक दिन उस आदमी ने कहा, मुझे जो गीता का 18वां अध्याय समझा देगा उसको मैं एक गऊ 20 किलो दूध देती है, 20 लीटर दान दूंगा, इनाम दूंगा। उसकी बीबी को पता चला, बोला रे निर्वसी है, तू करता धरता कुछ नहीं है, दो चार बच्चे हैं, मैं आप इनका भोजन ही इस गाय के द्वारा चलता है, तूने ये कैसा उद्घोषणा कर दी, कोई ना कोई आकर 18वां अध्याय तुझे समझा देगा, गाय जब ले जाएगा तो हम भूखे तो मरेंगे। उसने कहा, पगली चिंता मत कर, मुझे कोई नहीं समझा पाएगा। अरे पत्नी ने कहा, बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े ज्ञाता है, कोई ना कोई समझाएगा। बोला, तू फिक्र मत कर, मैं कहूंगा मैं समझा ही नहीं। वाह, समझेगी मत, एक है जय समझाते हैं ठोर, कहे कबीर बीच की बलक और की ओर। सतपुरुष सतलोक के वासी, सकल हंस के लिए अविनाशी, पुरुष नरक कोई बहुर न पाए, तीन लोक में आन रहा है। अब साहब क्या कह रहे हैं यहां पर, कोई भी उस देश में नहीं जा सका, कोई भी उस देश में नहीं जा सका। बार बार उस लोक की का उल्लेख साहब कर रहे हैं। अभी यहां काल का देश, दयाल का देश का उल्लेख हो रहा है, ये तुम कहां से लाए आइडियोलॉजी, ये तो साहब की आइडियोलॉजी है। तीन लोग सब पढ़ ले, होई अमर लोग सुखदायक सोई। देखिए अब कह रहे हैं अमर लोग, जीव का जग में हम आए, काल पुरुष से जीव छुड़ाए। बोला है मैं जीवों को छुड़ाने के लिए आया हूं। आदि नाम अनाम अमोल अपारा, अकह अगोचर सबसे न्यारा। अभी यहां क्या कह रहे हैं, आदि नाम, आदि वही परम पुरुष है, आदि सच युगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कह रहे अनाम है, अमोल है, अपार है, अकह है, अगोचर है, सबसे ज्यादा। ताहे नाम को सुमरे कोई, बहुत से छूटे जन्म न हो। संतों ने उसी नाम की व्याख्या दी है, सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। तहवा से हम आए संसारा, साहब कह रहे हैं मैं वहां से संसार में आया, और कई जगह पर इसका उल्लेख कर रहे हैं, तभी भी दुनिया नहीं समझ रही। तहां से हम आए संसारा, पहुंचे काशी नगर मजारा, सत्य सत्य हम करे पुकारा, भव सागर के जीव उबारा। बोला मैं भव सागर से जीव को उबारा, नाम सुने जो मोह लगाए, जिनको हमने पार लगाए।
समझे सुने जो बाचा मेरी काटू ताकि कर्म की बेड़ी। कह रहे जो मेरी बात सुनेगा वो इस संसार सागर से पार होगा, उसकी बेड़ी काट दूंगा। भग की राह नहीं हम आए, जन्म मरना बहुत समय। भग गर्भ द्वार को कहते हैं, मैं उस दरवाजे से नहीं आया। त्रिगुण पांच ताव हम नहीं, इच्छा देह रूप देह हमारे। कह रहा है मेरा शरीर पांच तत्व का नहीं है। यही उल्लेख इंद्रमती की कथा में भी आ रहा है, बार बार आ रहा है। लोगों ने साहेब के ग्रंथों को भी तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से संचालित किया। पांच तत्व गुण तीन नहीं, तामे सकल शरीर सबको हृदय चीने हो सदगुरु पुरुष कभी। हम जम के शिर मर्दन हारा, जो कोई गए सोतरे पारा। कह रहे जहां हम तह कालगत नहीं, हंस अनम सुखदाय कारी। ये बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हैं, जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं तो लोगों को प्रमाण देके समझाता हूं। न्यूटन एक बार भी ब्रह्मांड में नहीं गया था, क्योंकि उस समय अंतरिक्ष यान का प्रचलन नहीं था। लेकिन उसने साफ साफ बता दिया, पृथ्वी 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और उत्तर से बाएं से दाहिने की तरफ परिक्रमा कर रही है। 66.5 डिग्री के कोण पर झुके होने के कारण आप इस ग्लोब को भी देखें, यह 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। आज तक वैज्ञानिक लोग तो अंतरिक्ष में भी गए, किसी ने नहीं बोला कि 70 डिग्री। ये मैथमेटिकल चीज थी, उसने फिर प्रमाण दिए। सूर्य की तरफ ये जब भागे इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ब्रिटेन में एक जगह है जहां सिर्फ 15 मिनट का दिन होता है, रात 15 मिनट की रात है। 2-3 माताएं बहने मुझे गाड़ी में मिली, झेलम एक्सप्रेस से मैं भोपाल से आ रहा था, वो दिल्ली से बैठी वैष्णो देवी जा रही थी, तो जगह उनकी सीट बुक नहीं थी, हमारी 2 सीटें थी, मैंने उनको एक सीट दी बैठने के लिए दी। बातचीत हुई, मैंने पूछा माताओं कहाँ से आना हुआ है, बोला हम ब्रिटेन से आए। जब थोड़ी बातचीत हुई उन्होंने कहा ब्रिटेन में एक जगह है जहाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए रात होती है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मैंने बोला फिर आप लोग सोते कैसे हैं, बोला टाइम मेंटेनेंस करते हैं और बहुत गहरे डार्क कलर के पर्दे लगाते हैं, कृत्रिम अंधकार करते हैं। देखिए क्या है, एक छोटा बालक साल भर का, जब बच्चा साल भर का होता है उसकी जबान भी नहीं चलती है, हाथ पांव भी नहीं चलते हैं, ताकत नहीं होती है। जब माँ सुलाती तो लाइट की तरफ ही इशारा करके कहता था इससे बाधा है, देखा ना, यानी प्रकाश में इंसान नहीं सो पाता है। निद्रा अज्ञानता की द्योतक है, निद्रा को अंधकार पसंद है क्योंकि लेके ही जाती है नींद अंधकार के अंदर। तभी साहब कह रहे संतो जागत नींद न कीजिए, और नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। तो उन्होंने बताया सिर्फ 15 मिनट के लिए वहां पर रात होती है। अब ये पूरा खेल इसका है। वो अपने तथ्य रखा, प्रमाण दिए, आप भरोसा करेंगे? मैं एक लाइव एक्सपीरियंस लेता हूं। मेरे सत्संग में 30-30, 40-40 हजार लोग आते हैं, कहीं कहीं 50 हजार लोग भी आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं उसमें पूछता हूं, मेरा अपना तरीका है। अगर मैं पूछूं जिसने अपनी स्त्री को मारा हाथ खड़ा करो, कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा। मैं अलग अंदाज से पूछता हूं, मैं कहता हूं जिसने अपनी स्त्री को कभी नहीं मारा वो हाथ खड़ा करो, तो हजारों लोगों में 10-5 आदमियों का हाथ खड़ा होता है। सीधी बात है, बाकी बचे हुए मारे ना। आप मानेंगे स्त्री भी आदमी को मारती है, वो मार खा खा कर बाद में सोचती है यार ये तो मारता ही रहेगा, डिफेंडर नहीं होना, वो फिर वो भी हमला करती है। सियाने लोग कह रहे हैं अगर आपसे ताकतवर भी आपको मार रहा है
तो आप, खैर मैं इसका समर्थन सहृदय नहीं कर रहा हूं, आप यूं होकर मार नहीं खाना, उसको पूरा पूरा मौका मिलेगा तुम्हें मारने का, तुम भी हाथ पांव चलाना, तो वो सजग हो जाएगा, नहीं तो गिन गिन करके मारेगा। और बुजुर्ग लोग कहते हैं जब भी खूंखार जानवर तुम्हें काटने के लिए आए, लकड़बग्घा है, कुत्ता है, सियार है, तब तुम भागना मत, क्योंकि भागने के बाद हेडमास्टर उस जानवर के पास आ जाएगी, तुम्हें हिसाब से मारेगा, काटेगा, वो तुमसे तेज दौड़ेगा, तुम उसके बरोबर, तुम खड़े हो जाना। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, मैंने ये बात पहले भी कई बार बोली, आप हिम्मत तो रखो, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब प्रसंग आता है तो मुझे वो बातें दोहरानी पड़ती है। 10-11 साल की उम्र में मैं एक गांव से दूध लेने जाता था, 2 केने लेकर, बीच में जंगल था। तो एक बार क्या हुआ, मुझे बालक जानकर एक भेड़िया आया, बहुत स्पीड में मेरे पास दौड़ता दौड़ता आया, मैं नहीं भगा, अहंकार से नहीं बोलता, मैंने दोनों केने घुमाना शुरू की जोर से और चिल्लाना शुरू। जब मैं दोनों केने हिलाता रहा, वो रुक गया वहां, उसने दिल में सोचा ये डरा नहीं है, ये डरा नहीं है। जब तुम डरोगे डराएगी दुनिया, जब तुम अड़ोगे तो भागेगी ये दुनिया। मैं लड़ाई नहीं सिखा रहा, मैं सैनिक भी हूं। वो भाग गया, कम से कम 1/2 किलोमीटर दूर जाकर वो मेरी तरफ देखा, दोबारा मैं उसकी तरफ दौड़ा, वो दोनों केने हिलाता हुआ, वो भाग गया। अगर मैं वहां डरता या भगता तो वो सीधा गले को आकर पकड़ना, खत्म कर देना। वाह, कहने का ये भाव है मेरा कि भाई तुम डटे रहो गुरु शब्द पर, दुनिया चिल्लाएगी। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठी तो रूठने। वाह क्या बात है साहब की, चारों तरफ मार 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 कह दाए, वह लालों का लाल कह रहे। जब चारों तरफ आपको पब्लिक ये कहे ये आदमी गंदा है, मारो रे मारो इसको, वो लालों का लाल है। आगे साहब कह रहे हैं, जहां हम रहे तह काल गतनाई, हंसन हम सुखदायक आई। जहां मैं रहता हूं वहां काल नहीं है, तहां नहीं हम केर प्रवेशा, इसलिए सदा आनंद होता है वहां, अगर कमो न हो तो दासा। इस दुनिया में बहुत दुख है, मैं जीवन का पूरा एपिसोड आपको 5 मिनट में समझाया था, मात गर्भ से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। साहब के शब्द यहां बड़े सार्थक है, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तब से को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना। इस तरह से उस देश में ये सब चीजें नहीं है, तहां नहीं हम केर प्रवेशा, वो अजर है, जहां से हंस आया अमर है वो लोग। सो साहेब सतलोक राय, तिनको सब कोई चीनो भाई, नाम बिना दुखी तीनों देवा, जिनकी गण गंधर्व कर सेवा, जग के देव सब काल अधीना, बचे सोई जो नाम को चीना। अब यहां कह रहे हैं वही बचेगा जो नाम जानता है, दाना जब प्रजर्व कर लेते हैं वैज्ञानिक तो कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए नाम गर्भ निवारक नाम है भाई, भैया ये मामूली बात नहीं है। अब यहां साहब कह रहे हैं मेरे पास तो एक नाम है जिसके बल पर मैं हंस को चितूंगा, गुरु सजीवन नाम बताए, सजीव यानी आपको संकेत करता चलेगा, परमात्मा की भाषा कौन सी है, वो आपके हृदय की तरंगों की भाषा जानता है, भाषाएं सब कृत्रिम है, नेचुरल भाषा साउंड है, इसलिए वो तो आपके हृदय की तरंगों को पढ़ता है।
जहां नाम, कह रहे हैं जहां नाम है वहां काल नहीं पहुंच सकता है, काल गतना है। जो दाना प्रिजर्व हो गया उसको कीड़ा नहीं खाता है, भाग जाता है। कभी कभी मैं जब सत्संग करता हूँ स्टेज पर मक्खियां आ जाती हैं, वो भी एक शांति की तलाश में होती है। मैं क्या करता हूँ, सैनिटाइजर पहले अपने ऊपर और पूरे स्टेज पर छिड़कता हूँ, उसके बाद वो नहीं आती है। फिर इस तरह साहब भी यही बात बोले, जहां नाम तह काल गत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, ज्ञानहीन नर जानत नाही, जीव के संग मन काल रहाई। ओ मेरे भाइयों, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप सुनना सब प्रीचरों को, कोई बात ही नहीं कर रहा है मन पर। अब धीरे धीरे कुछ लोग मेरी वार्तालाप सुनकर मन पर चोरी से बात कर रहा है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है।